नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यमकेश्वर महादेव के मंदिर में देखते हैं मेरे मुकाल से गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। आप भी बने रहिए और ये वही रास्ता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया ब्लॉग में, और सीधे पीछे ब्लू कलर का मेरा घर। जय श्री राम भाभी है क्या? भृगु काल से मैं देवेंद्र फेगे गाड़ी में यमकेश्वर के लिए निकला। शिवरात्रि के दिन यमकेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने की बहुत महत्ता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि यहाँ पर मार्कंडेय नामक जो ऋषि पुत्र थे उनको भगवान शिव ने 16 वर्ष की ही आयु प्रदान की थी। मार्कंडेय तेजस्वी होने के साथ साथ महान शिव भक्त थे, और जब उनकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण हुई तो फिर वहाँ पर यमराज जी पहुँचे और वो शिव जी की भक्ति में लीन थे, और शिव जी इस बात से क्रोध में आ गए कि यमराज जी उनके भक्त का प्राण हरने आए हैं, और शिव जी ने जोर से यमराज जी को लात मारी। शिव जी और यमराज जी में युद्ध हुआ, और जिसके पश्चात यमराज जी को शिव जी ने वरदान दिया कि यह स्थान आपके नाम से ही जाना जाएगा, इसीलिए यमकेश्वर का नाम यमकेश्वर पड़ा है। ठांगर गांव में अभी भी धान और गेहूं की खेती की जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर हरे भरे खेत। यहाँ विथ्याणी में एक डिग्री कॉलेज भी है, और ये रोड ये देख सकते हैं आप सामने विथ्याणी का डिग्री कॉलेज। दमराड़ा विथ्याणी इस साइड के जो लोग हैं वो पैदल ही यमकेश्वर महादेव जाते हैं, और ये देख सकते हैं। यमकेश्वर में एक रिजॉर्ट भी है ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर विकास भाई का रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, अब वो पुल टूट चुका है, इसलिए लोग नीचे नदी के रास्ते जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो आपको बहुत जर्की फील हो रही होगी। कागर राम राम कबरा तू बनी
ये अभिषेक पिचक गया है। रितु अमोली जी के चैनल का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुकेश भाई हेलो तेजस हेलो
अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आप व्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।